कंकड़ निकाले इसी क्रोध को निकालने के लिए इसी वासना की झाड़ को निकालने के लिए विवेक ज्ञान काम करता है अब तुम सुन तो रहे हो सुनने को क्या आज करोड़ों लोग सुन रहे कहां, कहां से आते हैं मिलने वाले पिछले दिनों ब्राजील से साउथ अमेरिका ब्राजील से पत्र आते हैं निमंत्रण आते हैं मुझे तो मालूम नहीं कि कहां, कहां जा रहा है पर जहां जहां जा रहा जहां जहां बैठे वो सुन रहे प्रेम हो रहा इच्छा प्रकट करते समीप आने की इस रस्ते पे चलने की इच्छा प्रकट करते मैं कहती हूं सुन के तुमने इच्छा बना ली बहुत खूब वाह वाह बहुत बढ़िया काम हुआ इच्छा तो बन गई तेरी पर बच्चे खाली इच्छा बना लेने से कुछ हो नहीं जाएगा तुम मचलने लग जाओ तुम मचलने लग जाओ कि दिल्ली की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो तुम्हारे मचलने से क्या हो जाएगा तुम मचलने लग जाओ हम ताजमहल के मालिक हो जाए तुम्हारे मचलने से क्या हो जाएगा तुम मचलने लग जाओ कि चांद खूबसूरत आया है सुंदर आया है बहुत बड़े आकार का आया है जाए नहीं ये, पर तुम्हारे मचलने से क्या होगा वो तो जाएगा मैंने सुना ताजमहल की पिछवाड़े दो अफीमची बैठे थे पूर्णमासी की रात चांद की धुली हुई चांदनी में खूबसूरत ताजमहल एक कफिम जी कहता देखा ये हमारे बाप ने बनवाया था देख रहा हम ही हैं मालिक बोले क्यों तुम्हारा बाप क्या शाहजहां था बोले हाँ बाप का नाम सचमुच में शाहजहां था बोले तो बोले देख हमारे बाप का है बोले बाप का है तेरा है तो फिर तू यहां क्यों बैठा है अंदर क्यों नहीं बैठता है? अगर तेरा है तू मालिक है तो भीतर जाके बैठ तो यहाँ पिछवाड़े में कहे रेत पे जमुना के किनारे मिट्टी में पड़ा हुआ है इन बुरे हाल में कहते हम मालिक हैं जहां मर्जी आए बैठे अंदर बैठे के बाहर बैठे अब तुम मचलो तुम अफीमची की तरह नशे में धुत हुए ऐसी बात बोलो तो क्या फर्क क्या फर्क कुछ से? ऐसे ही सुन के ज्ञान को सुन के सत्संग को तुम भी मचलने लग जाते हो भगवान मिल जाए समाधि हो जाए ध्यान टिक जाए तुम भी मचलने लग जाते हो पर मैं तुमसे पूछती हूं तुमने तैयारी की चित्त पर काम करना होगा और अपने चित्त पर काम करने के लिए आपको स्वयं ही जागरूक होना होगा हैरत तो इस बात की है कि जब तुम्हें गुस्सा आ रखा हो तुम गुस्से में लाल पीले हो रखे हो तुम बदतमीजी कर रहे हो तुम गाली गलौच कर रहे हो क्रोधित हुआ आदमी यह भी भूल जाता है कि कहा आया है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए क्रोधित हुआ आदमी बस बड़बड़ाए चले जा रहा है और सामने वाला आदमी कहता है भाई कुछ तो होश कर कुछ तो जुबान पर कंट्रोल कर कुछ तो नियंत्रित कर और कई बार क्रोधी आदमी आगे से यह भी कह सकता है कहां गुस्सा आ रहा किसको गुस्सा आ रहा हम तो बात कर रहे हैं पर वो बात भी ऐसी खतरनाक कर रहे सच तो यह है कि तुमको गुस्सा आ रखा हो और कोई तुमको कहे कि तुमको गुस्सा आ रखा है तो तुम्हें इस गुस्से पे और गुस्सा आ जाता है कोई तुमको कहे तुम्हारी पीठ पीछे बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं सुन के तुम भलना जाते हो और और गुस्से हो जाते मेरे लिए ये कहा मैंने उसका क्या बिगाड़ा मैंने उसका क्या बिगाड़ा जो उसने मेरे लिए ऐसा वचन बोला पर सवाल तो ये उठता है अगर क्रोध है और दूसरा कह रहा है कि तुम्हारे में क्रोध है तो कभी तुम रुक के अपने मन में झांक के देखना नहीं चाहोगे कि है भी कि नहीं क्या रुकना बनता नहीं पर जो रुकता है जो भीतर देखता है और जो झल्ला नहीं जाता है मैं उसी को प्रेमी उसी को साधक मानती फिर कह दू परमात्मा का प्रेमी हूं मैं परमात्मा से प्रेम करता हूं मैं भगवान से प्यार करता हूं मैं भगवान को पाना चाहता हूं यह डायलग बाजी की चीज नहीं है ये अपने भीतर उतर के देखने की चीज ये अपने भीतर उतर के जांचने की चीज कि क्या है ऐसी बात मेरे? पर प्रेम की यह सुगंध उसी चित्त में आ, आएगी उसी चित्त में रमेगी उसी चित्त में जगेगी जिस चित्त में झाड़ झंखाड़ न हो कैसे झाड़ झंखाड़ वासनाओं के अहंकार के कभी-कभी मैं यह भी कहती हूं कि भाई तू अहंकार कर जरूर कर पर अहंकार करने लायक तो पहले बन क्या है तेरे पास है कुछ नहीं है कुछ भी नहीं लेकिन ना कुछ का भी अभिमान मन को चित्त को तैयार करना है कोई और नहीं कर सकता है यह काम कोई और तुम्हारे लिए नहीं कर सकता यह तुम्ही को खुद करना जागरूक होना जगना जग के अपने भीतर देखना कि मेरे भीतर मेरे स्वभाव में मेरे मन में क्या कमी है उस कमी को दूर करने के लिए यत्न करना और अगर तुम यत्न नहीं कर रहे हो अगर तुम यतन नहीं कर रहे हो अगर तुम प्रयत्न नहीं कर रहे हो तो मैं कह दू तुम लाख बार वाहिगुरु जप लो तुम लाख बार राम मंत्र जप लो तुम लाख बार सोहम मंत्र जप लो होना हमारा कुछ नहीं आंख खोल के देखे देखो मैं बहुत बार कहती हूँ उदाहरण देती हूँ हमेशा कि तुम्हारे घर में कोई तुमको मिलने वाला आ जाए अगर तुमने कपड़े ठीक ठाक न पहने हो तो तुम कहते हो भाई रुको अभी रुको मैं कपड़े बदल लू मैं पगड़ी ठीक से सजा लू शेव नहीं करी है साहब मेरा आया है बास मेरा आया है। मुझे शेव कर लेने दो बैठाओ पानी वानी पिलाओ मैं अभी आया तुम शरीर का इतना ध्यान रखते हो कपड़े खरीदना है तो कपड़े के लिए भी कितना अक्कल लड़ाते हो मैच करनी चाहिए मैच करनी चाहिए आजकल की एम की पैदाइश एक लड़की एम की पैदाइश में कह रही सब लोगों को जाना है घर में शादी है भाई की बारात है सब बारात तैयार खड़ी है बहन कहाँ है बहन कमरे में है क्या कर रही है तैयार हो रही है अरे मेरे कब से तैयार हो रही बाहर क्यों नहीं आ रही बोले अभी मैं पूरी से तैयार नहीं हूं रुक, रुक क्यों बोले बाकी सब तो मैच हो गया है कपड़ा भी ठीक है स्कर्ट भी छोटी है चप्पल भी बढ़िया है पर्स भी बढ़िया है जो सर पे सामान लगाना है वो असेसरी भी सारी अच्छी है ज्वेलरी भी सारी अच्छी है मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं पर जिस बंदे से मेरे बाप ने ब्याह कर दिया वो बंदा मेरे साथ मैच नहीं कर रहा कपड़ा जेवर भी मैच होना चाहिए रंग भी मैच करना चाहिए सब ठीक ठाक लगना चाहिए सब एक सा लगना चाहिए समरसता होनी चाहिए कितना ध्यान कितना ख्याल लेकिन मन में समरसता नहीं है ये दिखता नहीं शरीर सुंदर कर लिया पर मन कितना क्रूप है ये कभी देखा नहीं प्रेमी कौन है परमात्मा का प्रेमी कौन है जो मन को सुंदर बनाने के लिए यत्न करे मैं मैं बार बार देखो तुमको ये बार बार ये बात कहती हूं कि मेरे सामने आकर के प्रेम का नाटक करने से कुछ नहीं होगा ये प्रेम तुम्हारे हृदय में विकसित तो हो सके इसके लिए तुम्हें नित्य निरंतर चौबीसों घंटे जागरूक रहने की जरूरत है जागरूक रहने की जरूरत जरा जरा सी बात छोटी छोटी सी बात मायने बहुत रखती बहुत मायने रखती लोग जब मिलते हैं जब मैं लोगों को देखती हूं तो मैं उनकी जुबान नहीं सुनती हूं मैं उनकी बोली नहीं सुनती हूँ मैं उनका डायलॉग नहीं सुनती हूं मैं उनका व्यवहार देखती हूँ, और जब व्यवहार दिखता है तो लगता है अरे ये ये कभी सुनता है मुझे कोई सत्संग की बात कभी इसके भेजे में घुसी भी है कि नहीं कि कान से शब्द टकरा के बाहर आ गए हैं और कान से शब्द के टकरा जाने का नाम श्रवण नहीं होता है वेदांत की प्रक्रिया ये कहती है अर्थ सहित शब्द के निश्चय का नाम श्रवण होता अर्थ के सहित निश्चय हो जाए तो श्रवण पूरा हुआ आज हमारे ग्रह बसंत कहने वाला कितने निश्चय से कह रहा है कितने निश्चय से कह रहा है और वो निश्चय इसलिए हुआ क्योंकि गुण गाये हैं परमात्मा के और बेअंत गाए बेअंत गाए लोगों को तो जब भजन भी करना हो ना तो वो भी टाइम पूछते हैं अक्सर अक्सर लोग पूछेंगे भजन कितनी देर करना चाहिए ध्यान में कितने देर बैठना चाहिए सुबह बैठना चाहिए कि शाम बैठना चाहिए कितनी देर तक बैठना चाहिए मैंने कहा भाई, मैं समय की पाबंदी कैसे बांधू समय की पाबंदी कैसे बांधू तुमको पाबंदी अगर मैं कोई दे सकती हूं तो बस इतनी कि जिस तरीके को सिखाया है उस तरीके को होश पूर्वक और ठीक करना बस और अगर तू विधि का सही उपयोग प्रयोग कर रहा है तो विधि अपने आप तुमको भीतर गहरे उतारेगी और जितना तुम भीतर गहरे उतरोगे वही निर्णय करेगा कि तुम कितने देर रुकोगे अंदर चक्कर यह है कि तुम अपने आप से अपने आप से अगर सोचो कि आज मैं इतनी देर ध्यान में बैठूंगा आज मैं इतनी देर ध्यान में बैठूंगा नहीं होगा क्योंकि वो जो तुमने समय बांधा ना इतनी देर तलक वो उतनी देर हो गई कि नहीं होगी वो देखने को घड़ी देखते रहोगे एक घंटा ध्यान में बैठना तो एक घंटा हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ हम तो उसी को चेक कर रहे हो तो तुम ध्यान का ध्यान कर रहे हो कि समय का ध्यान कर रहे हो तो ध्यान की सीमा बाहर से नहीं बांधी जा सकती कितने देर कितने देर अरे कितने देर क्या जितने देर भीतर डूब सके जितने धीर देर भीतर अच्छा लगे उतने देर आंख बंद रख। और सच तो ये है अगर भीतर डुबकी लग जाए तो आंख खोलो तो क्या और नहीं खोलो तो क्या फिर तो दोनों हालत में कोई फर्क नहीं पड़ने का है पर लोग नाटक करते हैं लोग दुनियादारी में तो नाटक करते ही करते लोग गुरु के साथ भी नाटक करते लोग परमात्मा के साथ भी नाटक करते मन भजन में है नहीं पर कर रहे हैं करने का कर नाटक हो रहा हालांकि इस विषय में एक बात और कहती हूं कभी कभी जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान के पहले 10-15 मिनट चित्त में बहुत से विचार बहुत से ख्याल आएंगे आ सकते जरूरी नहीं कि तुम बैठो और बैठते ही तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाए क्योंकि बैठने से पहले तुम क्या कुछ करते रहे हो उसका बहुत लेना देना तुम्हारी ध्यान की बैठक के साथ होगा जैसे दो चार घंटे पहले तुम किसी का दिल दुखा के आए हो सच तो यह है जब दिल दुखाते हो ना तो तुम्हें कोई होश नहीं रहती दिल दुखा दिया दो चार घंटे वो दुखी हो रहा जिस प्राणी का तुमने दिल दुखाया है वो दुखता हुआ दिल अपनी दुख की वाइब्रेशन भेजेगा क्योंकि वो तुम्हें याद करेगा ना कि इसने मेरा दिल दुखाया उसकी भेजी हुई दुख की वाइब्रेशन तुमको कहां सुखी होने देगी वो तुमको दुखी करेगी अब जो तो सेंसिटिव है संवेदनशील व्यक्ति है वो जान लेता है कि मेरे से गलती हो गई मेरे से गड़बड़ हुई है मैंने किसी के प्रति अपराध किया है उस अपराध को सही करने का वो यत्न कर लेगा अगर कर लेता तो अच्छा अगर नहीं करता है तो याद रहे चित्त में अंदर अंदर वो दूसरे को पहुंचाया हुआ दुख तुमको क्लेश देगा क्लेश किसको कहते क्लेश इसी को कहते कि कारण समझ न लगे पर मन दुखी हो क्लेश किसको कहते हैं दुख अलग है क्लेश अलग है जब दुख होता है तो तुमको दुख का कारण मालूम है, इस वजह से दुखी है। पर जब तुमको कारण समझ ना लगे कारण समझ ना लगे और दुख हो उसको कहते क्लेश ये क्लेश कहां से आता है ये क्लेश कहीं से नहीं आता इसको भी तुम ही पैदा करता इसलिए प्यारे मैं बार 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 ये कहती हूं कि बोलते समय होश रखा करो होश रखा करो कि आप बोल रहे हो होश से बोला करो बेहोशी में मत बोला करो इसलिए बार बार कहती हूं जब आचरण व्यवहार शरीर से कुछ भी करो तो होश रखा करो क्योंकि तुम्हारा किया गया गलत व्यवहार अगर दूसरे को दुखी करेगा तो तुम्हारे चित्त को क्लेश देगा दुख से अपने मन को दूर करना इतना मुश्किल नहीं है पर याद रहे क्लेश से अपने चित्त को साफ करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि तुमको कारण नहीं मालूम ना क्लेश हो क्यों रहा है क्लेश हो क्यों रहा है पर हो रहा है चित्त का होश रखना चित्त के प्रति जागरूक रहना पहली मंजिल ये है और चित्त को होशपूर्वक देखते पर ही तुम जानोगे कि चित्त में कितनी गड़बड़ है एक ने पत्र लिखा और वो पूछते हैं कि जब कभी कभी ध्यान में बैठता हूं तो ध्यान में बैठने पर बहुत विचार आते बहुत विचार आते कभी कभी नहीं आते तो जब विचार आए तो फिर क्या करूं सत्य तो ये है विचार मन में चल ही रहे होते हमेशा, हमेशा 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 लेकिन जब तुम ध्यानस्थ तो होने लगते हो जब तुम ध्यान में बैठने लगते हो तो अपने मन के विचार दिखने लग जाते आ नहीं गए कोई नए नहीं ख्याल आ गए ख्याल थे दिख नहीं रहे थे जैसे तुम कमरे को देखो साफ लगता है ठीक है पर साफ का अर्थ ये नहीं कि वो माइक्रोस्कोपिकली भी साफ है मतलब बड़ी बारीकी से साफ नहीं साफ दिख सकता है पर जैसे ही तुमने डस्टिंग करनी शुरू की झाड़ पहुंच शुरू की झाड़ पहुंच करते ही वो जो जमी हुई मिट्टी है जो जमी हुई धूल वो निकलने लग गई वो उड़ने लग गई जमीन दूर से देखा कोई मोटा कचरा है नहीं कोई कागज नहीं कोई ऐसा दिख नहीं रहा जिसको देख के आप कहो कि जमीन गंदी है पर जैसे ही तुमने झाड़ू लगाना शुरू किया तो जमीन पर जमी हुई धूल भी उड़ने लग गई। जब झाड़ू लगता है तो वो धूल का गुबार होता वो गुबार परेशान करता पर झाड़ू लगने पर वो जमी हुई धूल सामने आई नहीं लगाते तो लगता साफी ऐसे ही तुमको लगता है तुम्हारा मन ठीक है कोई विचार ख्याल ज्यादा नहीं पर जैसे ही ध्यान में लगे बैठने तो विचार ही विचार विचार ही विचार विचार ही विचार कहां से आ गए विचार विचार थे वहीं पर थे लेकिन इन विचारों को तुम देख नहीं पा रहे थे पर जब ध्यान में बैठे जब ध्यान में बैठे तो चेतना ने जागृत होते ही तुम्हारे चित्त के संस्कार और विचार सब कुछ तुमको दिखलाने शुरू कर दिए